अब बहुत फार्मर्स को लोग जाके ये बोलते हैं कि आप ये मत यूज़ कीजिए, वो मत यूज़ कीजिए, आप केमिकल फर्टिलाइज़र मत यूज़ कीजिए। देखिए, जो फार्मर होता है बेचारा, वो तो वही करेगा जो उसकी लिमिटेड नॉलेज में उसको जो अवेलेबल होगा वो यूज़ करता है। एक हाथ पे तो हम कहते हैं कि भारत जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लैनेट ऑर्गेनिक होना चाहिए, हमारा अर्थ जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डलना चाहिए सॉइल में। सब लोग मानते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्यों ना कोई, जैसे यूनाइटेड नेशंस की कोई ऐसी कमेटी हो, कन्वेंशन हो, कोई इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग हो, MOU हो, कि पूरी की पूरी के पूरे जितनी दुनिया के वो एक तरीके से एक कोई एक समझौता करें कि हम अगले 5 साल में पूरी दुनिया से केमिकल फर्टिलाइज़र को बैन कर देंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन बंद करनी होगी। बैन भी कुछ नहीं होता, बैन का मतलब तो ये हुआ कि एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है आप उसको बैन कर रहे हैं, नहीं, आप प्रोडक्शन ही बंद कर दीजिए, प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद कर दीजिए, एंड जो सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का लॉस ना हो, नौकरियों का लॉस ना हो, बिजनेसमैन का जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉसेस ना हो, बैंक के लोन्स हैं वो ख़राब ना हो, NPAs ना हो, तो उसका उसके बदले में गवर्नमेंट ये कहे, और मतलब इस तरह का बिजनेस का माहौल बने कि वही सेम फैसिलिटीज जो हैं, फैक्ट्रीज हैं, असेंबली लाइंस हैं, वही सेम जो हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर की प्रोडक्शन, कंपोस्ट की प्रोडक्शन, और फार्म जो वेस्ट है उससे मैन्योर की प्रोडक्शन, वो ऑर्गेनिक वे से, नेचुरल वे से हो जाए और की जाए, राइट? तो इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, है ना? गवर्नमेंट को भी फायदा है, एम्प्लॉयर को भी फायदा है, एम्प्लॉई को भी फायदा है, फार्मर को तो 10 times मोर ज्यादा फायदा है। तो एक सोचने की बात है, है ना? हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक होना है, लेकिन थोड़े बहुत टैक्स कलेक्शन के चक्कर में या कुछ करोड़ जो भी टैक्स कलेक्शंस होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र से, उसके कारण फिर गवर्नमेंट्स जो हैं, सभी गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ये पर्टिकुलर या ऐसे, नाम लेने से कुछ वो नहीं होता, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, आप सारे देशों में देखिए सभी ऐसा हो रहा है। तो most of it, I think it can be eliminated अगर world over ये चीज़ globally एक understanding हो कि हमने chemical fertilizers को phase out करना है धीरे धीरे इसकी production। क्यों हम batteries के बारे में बात नहीं कर रहे, हम electricity के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कह नहीं रहे कि electric vehicles आने चाहिए, petrol ख़त्म होना चाहिए, diesel vehicle बिल्कुल ख़त्म कर दो। अभी जर्मनी का मैं पढ़ रहा था, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड के by 2025-2026 they will convert themselves totally into solar and totally into battery operated electric vehicles, and हो रहा है ना, तो फिर chemical fertilizers पे क्यों नहीं कर सकते भाई? chemical fertilizer तो immediately हमें effect कर रहा है, chemical fertilizer तो हम रोज खा रहे हैं, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में तो chemical fertilizer वही हमारे शरीर में जा रहा है, इसीलिए तो इतनी सारी problems आ रही हैं, है ना? तो ये इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए इस चीज़ के ऊपर ग्लोबल लेवल पे। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, है ना, वी हम कोई आइसोलेटेड लोग नहीं हैं, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, द होल वर्ल्ड इज़ वन, द होल वर्ल्ड इज़ वन, वन ऑर्गेनिक होल है। तो वी शुड ऑल थिंक एट अ ग्लोबल लेवल, ये कंसेंसस बनना चाहिए इस पर।